आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके मन में आता है और आता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है और क्या इस क्वेश्चन का मतलब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो सब्सक्राइब है उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई सर ट्रेनिंग के लिए जाना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है दोस्तों। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है जो कि आपके दिमाग में भी आता होगा और आप भी सोचते होगे कि अगर हम ट्रेनिंग के लिए ना जाए या जाए तो कितना खर्चा होगा और क्यों फालतू का खर्चा करना है, इस वजह से हम ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बात भी सही है, वो आप पर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग के लिए जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाते हो तो वो साइकिल बन जाती है, जैसे कि पिछला वाला जो छोड़ जाते हैं और आगे वाला जो है आप सीख जाते हो, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इस वीडियो में या इस टॉपिक पर कभी भी कोई बहस नहीं करता कि भाई ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी आज इस टॉपिक पर बहस नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो ट्रेनिंग में एक्चुअली आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है, और किस टॉपिक पर और किस जगह पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप उस ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो सीख के ज़रूर आ जाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ट्रेनिंग तो होती है एक महीना से 15 दिनों की, जिसे 30 से 15 दिनों का वो ट्रेनिंग होता है। उस दिनों में आप सोचते हैं कि तीन तीन चार चार सालों से अगर आप टेक्नीशियन की काम कर रहे हो तभी भी आपको कुछ ऐसे जो फॉल्ट होते हैं जो सीआरटी टीवी एलईडी एलसीडी में आजकल आ रही है, अगर आप ट्रेनिंग करके भी आते हो तभी भी आपको पता ही होगा कि आपको वो फॉल्ट सॉल्व नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ट्रेनिंग के लिए जाओ, अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, आप आसानी से जा सकते हो और आपको जाना ही चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी साइकिल जो है जो बन जाएगी, उससे आपके दिमाग पर जो थोड़ा सा जोर है वो बढ़ेगा और आप उससे सीख जाओगे कि आपको किस प्रकार से काम करना है और सीआरटी और एलईडी एलसीडी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। दोनों जो एलईडी आ रही है अलग अलग से, जैसे एंड्रॉयड स्मार्ट और एलसीडी, इसमें से क्या क्या टेक्नीशियन और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बोर्ड चेंज करते समय कौन सा बोर्ड उसे लगेगा, किस प्रकार से सर्विस मोड ऑन करें, किस प्रकार से उसका एलईडी केबल एडजस्टमेंट करें, कैसे उसके वोल्टेज हम जांचें, किस जगह पर कितना वोल्टेज आता है, ये कैसे हम जांचें, इसके लिए आपको ट्रेनिंग में जाना ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे YouTube पर बहुत सारी वीडियोस भी आ रही है, उस वीडियो के ज़रिए भी आप सीख सकते हो, या अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। जैसे कि मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो मेरा चैनल प्रदीप टेलीविज़न, ठीक है। तो आज बात करने वाला है कि आप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो क्या है जो आपको सीखना वहाँ पर पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी भी फॉल्ट में किसी भी फॉल्ट को आसानी से आप सॉल्व कर सके, बार बार किसी और को कॉल करके पूछने की ज़रूरत ना पड़े और उस टॉपिक पर या उस फॉल्ट पर आपको ज़्यादा सोचना भी ना पड़े, तो आप कैसे, आप अगर 15 दिनों की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो किस फील्ड मतलब किस सिचुएशन में आप जाओगे तो आपको सक्सेस वहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, जैसे कि आप बहुत 10-15 सालों से आप सीआरटी के काम कर रहे हो तभी भी आपको देखते होगे कि आप सीआरटी टीवी में की जो वोल्टेजेस है जो फॉल्ट है कभी कभी आपको नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही है ये एलईडी एलसीडी, जिसके कई फॉल्ट ऐसे हैं कि जो आप ट्रेनिंग के जाने के बाद भी आपको वो फॉल्ट नहीं निकलते हैं। जो कॉमन फॉल्ट है वो तो आप आसानी से ऐसे ही सीख सकते हो, किसी और से भी सीख सकते हो, अपने खुद के दम कर भी आप सीख सकते हो कि जो फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट आ रहे हो जो वो फॉल्ट है उस फॉल्ट के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको सीखने में उसमें क्या क्या सीख सकते हो, यही इस वीडियो का माध्यम है, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल इस वीडियो में इतना बताऊंगी भाई जब आप ट्रेनिंग के लिए जाने की सोचोगे तो ट्रेनिंग जाने के पहले कम से कम आपको 15 से 3 महीनों, मेरे ख्याल से 1 महीना से 3 महीने, ठीक है, 1 महीना से 3 महीने तक, ठीक है, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। जो कि वोल्टेज जो होते हैं, जैसे कि
सीआरटी टीवी के वोल्टेज हो, या आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आप रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कौन से भी पार्ट हो सकते हैं, उस पार्ट के रिपेयरिंग के बारे में आपको पता बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। तब अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो सकती है, उसमें आपको सीखने के बहुत सारे मिलेगा, क्योंकि आपको पहले से ही आपको जानते हैं कि वोल्टेज किस प्रकार से चेक करते हैं, उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सा सेक्शन किस साइड में आता है, डीसी सेक्शन कहाँ है, एसी सेक्शन क्या है, माइक्रो सिग्नल्स कहाँ है। अगर ये आपको पहले से ही पता है तो आपको सिर्फ वहाँ जाकर आपको उस सेक्शन को देखना है, उस सेक्शन के बारे में जानना है, उस सेक्शन की वोल्टेज आपको सीखनी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप कभी कभी ट्रेन में आजकल वो बाउंडिंग मशीन का भी ट्रेनिंग आ रहा है, उस ट्रेनिंग के बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन उस बाउंडिंग मशीन की ट्रेनिंग करते समय आपको महीना से 15 दिनों का उसमें वक्त होता है। तो मैं आपको बता सकूँ कि भाई 15 दिनों में तो आप मशीन भी चलाना नहीं सीख पाओगे, तो आप बाउंडिंग कैसे कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एकदम मेन पॉइंट है, वीक पॉइंट है, कि आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है उसमें। जल्दबाजी के ज़रिए अगर आप करोगे तो आपका फालतू में खर्चा बढ़ जाएगा, और उस खर्चे के भरते भरते ही आप थक जाओगे। तो आपको मैं पहले तो रिकमेंड कर दूंगा कि भाई आप पहले क्या करो कि आप कभी भी डायरेक्ट किसी भी काम को शुरुआत ना करें, उस काम को पहले से जाने, किसी अपने दोस्त किसी और टेक्नीशियन के पास कम से कम एक महीना या मतलब 30 दिन या 90 दिन तक उन जगह पर काम करें। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तभी आप ट्रेनिंग के लिए जाइए, ताकि आपका जो ट्रेनिंग है वो पूरी सक्सेस हो जाए। मैं तो बोलूँगा कि भाई मैं ट्रेनिंग के लिए जाके आया हूँ तो मुझे उसमें कुछ भी विशेषता नहीं लगी है, लेकिन अगर आपको सीखना है, आप नए हो, तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं बहुत 12 से 15 साल से मैं इसी फील्ड में ही इलेक्ट्रॉनिक में, इसलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए तो मैं गया हूँ, लेकिन उसका कुछ भी असर इतना जितना असर होना चाहिए था उतना असर मेरे पर नहीं हो चुका है, क्योंकि मुझे पहले से ही जो जानकारी थी वो जानकारी मेरे पास पहले से ही थी। सिर्फ सेक्शन वाइज मुझे वहाँ पर जाने के बाद सेक्शन वाइज जानकारी मिल चुकी है, और सेक्शन वाइज को अगर कैसे पता कर सकते हैं, कैसे सेक्शन को जाने, जैसे कि SMD सेक्शन होने के कारण उस सेक्शन को हम पहचान नहीं सकते हैं, उस सेक्शन को हम जानते नहीं हैं, किस प्रकार से सेक्शन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से कट हो जाता है, ये भी हम नहीं जानते हैं। तो उसी CRT TV की अगर बात करते हैं तो CRT TV में पूरे सेक्शन हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि बड़ा किट है, बड़ा जानकारी है, बड़ी सेक्शन वाइज है, और बड़े जो कंपोनेंट है वो बड़े बड़े हैं, इस प्रकार से हम उसे काम कर सकते हैं। लेकिन इस LED LCD में होता क्या है कि LED LCD में अगर कुछ कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं तो उस कंपोनेंट को भरने के लिए, उस सेक्शन को ऑन करने के लिए हमें ज़रूर पड़ती है मॉड्यूलर की, जैसे कि 5 वोल्ट से 3 वोल्ट जो रेगुलेटर IC के लिए होता है, वर्किंग IC, ब्लिंकिंग IC, ठीक है, और अपने जो बैकलाइट सेक्शन है उसके लिए भी बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड बनता है वो सेक्शन, और पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई कभी भी रिपेयर कोई नहीं करता है, अगर रिपेयर करना चाहते हो तो उसकी जानकारी भी मेरे पास मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर तो डायरेक्टली हम मॉड्यूलर को ही ऐड करते हैं 5-24, तो ये जो सेक्शन है आप इसमें सीख सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोसेसर IC खराब हो जाता है, कभी भी कोई ज़्यादातर रिमूव नहीं करता है, डायरेक्टली बोर्ड को हम चेंज कर देते हैं। बोर्ड को कैसे सेट करेंगे, बोर्ड को कैसे वोल्टेज को चेक करेंगे, पैनल को कैसे हम रिसेस करेंगे, पैनल कितने वोल्ट का है ये कैसे जानेंगे, अगर यही बात आपको जाननी है तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आप में उस वो खूबी है, आपको जान सकते हैं कि कैसे उस वोल्टेज को चेक करें, कैसे उस सेक्शन को आप पता कर सकते हैं, कैसे उस सेक्शन के ज़रिए हम काम कर सकते हैं, तो आप खुद के दम कर ही आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि जाने आने वाला खर्चा और वहाँ की जो रहने वाली जो फीस है वो फीस से आप बच पाओगे, क्योंकि ज़रूरत ना होकर भी आप उस ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यही है टॉपिक, कि आज का टॉपिक इस प्रकार से था कि भाई इस प्रकार से अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी ट्रेनिंग कभी भी फेल नहीं होगी, आपका पैसा जो है फिजूल में नहीं जाएगा, और आप
ट्रेनिंग का पूरा फायदा आप उठा पाओगे। जैसे कि अगर आप 30 से 15 दिनों का अगर काम करते हो, ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो आपकी यहाँ पर भी जो इनकम होती थी वो इनकम भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। इस कारण से आपको डबल लॉस हो सकता है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पर अगर बनते रहते हो तो मैं आपको LCD LED LCD के जैसे जैसे फॉल्ट, नए नए फॉल्ट अगर इसमें रिकमेंड आते हैं तो मैं आपको उस फॉल्ट के बारे में किसे निकालेंगे, कैसे वोल्टेज चेक करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है इस वीडियो का मतलब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टेड वन में आपको ट्रेनिंग के जरिए लाता रहूंगा, ट्रेनिंग आपको मैं देता रहूंगा, जो कि आपको अगर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।